भी उसकी मुझे नीचे हो गई है। तीन दिन से टाटा लगाई हुई थी, तीन दिन से टाटा लगाई हुई थी, तीन दिन से वो डिंटोने के स्याल वाला बंदर और मुछो वाला बंदर इकट्ठे बैठ के पंजाब असेंबली का माहौल खराब कर रहे थे। सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। इमरान को डराया गया, इमरान खान को धमकाया गया, इमरान खान को हर किस्म की लालच दी गई, इमरान खान के दोस्तों को और साथियों को एमएलए और एमपीएस को खरीदने की कोशिश की गई। और इन्होंने जिन लोगों के सर पर सारी बदमाशी की हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें पाकिस्तान की रियासत अजीज है। अगर हम अपने जज्बा हुब्बुल वतनी से मजबूर होकर इनके लीडरों की तरह अपने अदारों को गालियां नहीं देते, अगर हम जज्बा हुब्बुल वतनी की वजह से बेगम सफदर अमान की तरह अपने रियासती अदारों और एजेंसियों को और अदालतों को गालियां नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है। हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें पता है पिछले एक महीने के अंदर इन्होंने किस किस अंदाज से किस किस अदारे को इस्तेमाल करके कौन कौन सी बदमाशियां नहीं की। लेकिन जनाबे वाला, इमरान खान पूरे अज़्म के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरे बलवले के साथ, पूरी जरूरत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आज खड़ा है। किसके लिए खड़ा है? क्या वो अपनी आल औलाद के लिए खड़ा है? इनकी तरह जुनैद सफदर के लिए नहीं खड़ा, इनके लिए बिला वजह भुट्टो के लिए नहीं खड़ा, इनके लिए खानदानों के औलादों को दो साल के बच्चों को हाथ में लेके दूध पिला के जवान करके उनको लीडर मान के उनके सामने पोर्टलश बजवाने के लिए नहीं खड़ा। हम में से कोई बंदा भी यहां पर इमरान खान के खानदान के लिए नहीं खड़ा, हम में से कोई बंदा भी इमरान खान की फैमिली के लिए नहीं खड़ा, हम में से हर बंदा इमरान खान के विजन के लिए खड़ा है, हम में से हर बंदा इमरान खान की सोच के लिए खड़ा है, हम में से हर बंदा इमरान खान की जज्बा हुब्बुल वतनी की वजह से खड़ा है, हम में से हर बंदा इमरान खान की नामूसे रसालत की जंग की वजह से खड़ा है, हम में से हर बंदा इमरान खान की खत्म नबूवत के लिए जिद्दोजहद की वजह से खड़ा है। तो जनाबे वाला, बात को आगे बढ़ाते हुए, मेरे नून लीग के दोस्त थक गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो बेचारा मूछे वाला बांदर भी उसकी मूछे नीचे हो गई है। वो बेचारा आया था मूछे ऊंची करके आया था, अब बेचारी नीची हो गई है। ये इंशाल्लाह होगा। बेगम रे 186 वोट गए थे ना, तीन दिन से टाटा लगाई हुई थी, तीन दिन से टाटा लगाई हुई थी, तीन दिन से वो डिंटोने के स्याल वाला बांदर और मूछे वाला बांदर इकट्ठे बैठ के पंजाब असेंबली का माहौल खराब कर रहे थे। तो इंशाल्लाह रब्बे काबा की कसम, इंशाल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के सदके, सदीक अकबर की सदाकत के सदके, उमर फारूक की अदालत के सदके, उस्मान गनी की सखावत के सदके, हैदर तर्रार की शुजात के सदके, हुसैन इब्न अली की शहादत के सदके, इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में 186 वोट पूरा होगा और इंशाल्लाह यहां से शुरू होंगे। और अपनी बात का इख्तिताम करते हुए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इमरान खान जहां पर खड़ा होगा, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम और पाकिस्तान की पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन